Hello 8th class, this is your subject computer and your lesson number 4. As you can see, this is your computer book. Open it, your lesson number 4. Now, as you can see on your screens also and your book also, you have the chapter number 4, More on MS Excel 2007. आज हम एम एस एसेक्स के बारे में आज लेसन में स्टडी करेंगे, रीड करेंगे. बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर में एम एस एक्सेस हमने रीड किया था कि दैट इट इज़ अ वेरी पावरफुल डीबीएमसी थ्रू विच वी कैन मैनेज द डाटा बेस. जो है हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं जिसमें हम अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. यू कैन क्रिएट एडिट और क्वेरी यानी पूछताछ एंड इनहेंस द डाटा बेस विद द हेल्प ऑफ एम एस 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 की हेल्प से हम इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं. ठीक है. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या, येस, डाटा बेस माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रो सिस्टम्स. नाउ फर्स्ट वन इज योर आर डी बी एम एस. द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड नेक्स्ट वन इज एन डी बी एम एस, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड थर्ड वन इज योर एच डी बी एम एस, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन तीनों के दौरान हमारा काम जो डाटाबेस को रेडी किया जाता है. ओके, नाउ आरडीएमबीएम बीएमएस, व्हाट इज द मोस्ट रिलेवेंट टाइप ऑफ दिस डाटाबेस. ठीक है, बिकॉज काफी टेबल्स अपने आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड. क्योंकि डाटाबेस जिस तरीके से बनाया जाता है सेम उसी तरीके से सारे डाटाबेस आपस में एक दूसरे से एक चेन बनी होती है कि हम उन आउटपुट्स को एक रिपोर्ट के फॉर्म में निकाल सकते हैं या क्वेरी के फॉर्म में निकाल सकते हैं. लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑरेकल हो गया, आईबीएम डीबी 2 हो गया, इनग्रेस हो गया एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया एंड उसी में हमारा एमएसएसएस भी आता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई एक रिलेशन आपको पता लग रहा है कि दो चीज़ों के बीच में कोई एक रिलेशन बन रहा है, दैट इज़ फॉर रिलेशनशिप. यू कैन यूज़ मैनी टेबल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जिनमें फील्ड तो कॉमन होगा लेकिन वो काम पूरा कैसे कर रहे हैं दो टेबल्स के दौरान, टू मेक अ चेन बनाते हैं आपस में. एंड यू कैन अंडरस्टैंड द डाटा बेस को एज अ चेन ऑफ सम टेबल्स के तौर पर हम उसको क्या कर सकते हैं, डाटा बेस को समझ सकते हैं. लाइक आपके सम एम्प्लॉयज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक डाटा बेस आपको लास्ट के 3 महीने तक के लिए आपको प्रिपेयर करना है. तो व्हाट हैपेंस इन दिस, ये हमारे हर महीने की क्या करेगा, डाटा बेस रेडी करेगा ताकि हमें हर महीने का रिकॉर्ड हमें मिल सके. ओके, लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये हमारा क्या है, कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं. हर महीने के लिए हमें डाटा बेस रेडी करना होता है. लाइक ये ई कोड है, ठीक है, ये एम्प्लॉय का नेम है. कोड देखिए, जहाँ पर महेंद्र सिंह का नाम आ रहा है हमारा कोड 00E001 होगा, विजय सिंह हमारा E002 है. इट मीन्स वो एक कोड के दौरान उनको नाम दिया हुआ है. ठीक है, एंड उनकी डेजिग्नेशन क्या है, इट मीन्स वो किस, अब एम्प्लॉय है ऑब्वियसली किसी ना किसी उस पर पोस्ट पे काम कर रहा होगा. लाइक कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई डिजाइनर एंड समवन इज टाइपिस्ट और क्लर्क है. महीने आपको दे रहा है कि ये इनकी 2 महीने की सैलरी है, मंथ का नेम है कि कौन से महीने की सैलरी है और सैलरी कितनी है वो आपके राइट साइड में आपको शो हो रही है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ. नाउ अब देखिए नीचे, अब वो कह रहा है कि इफ यू स्प्लिट द डाटा then it will avoid redundancy by keeping the basic information of each employee in a separate table में. अब जैसे वहाँ तो हमारा मिक्सअप था, अब हमने क्या किया कि मुझे मार्च के महीने की हमने देखो सैलरी यहाँ पे जनवरी की हो गई, नेक्स्ट हमारा क्या है फैब की कितनी है, मार्च की कितनी है, इस तरीके से हमने ऊपर तो मिक्सअप हो रहा था मंथ्स नेम. अब यहाँ मैंने महिंदर सिंह की जनवरी की आ गई है, विजय सिंह की उसके नीचे जनवरी की आ गई है. इसी तरीके से मैंने क्या किया है, मंथली वाइज
हर महीने का टोटल कितना आ रहा है। अब उसमें तो ऊपर वाले में क्या हो रहा था, सब में मिक्सअप आ रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि टोटल महेंद्र का कितना बन रहा है और विजय पाल का, विजय सिंह का कितना बन रहा है। तो हमने नीचे वाले ऑप्शन में क्या किया है, यस हमने एक डाटाबेस रेडी किया मंथली के अकॉर्डिंगली कि इसकी सैलरी महीने में इतनी पड़ती है हमें और विजय सिंह की सैलरी इतनी होती है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड ना। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर क्रिएटिंग अ टेबल। अब हमें टेबल को असेस में हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है। फर्स्ट यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन क्रिएटिंग अ टेबल इन द लाइक वी हैव सम स्टेप्स जिनको फॉलो करके हमें क्रिएट कर सकते हैं टेबल डाटा शीट व्यू में। ओके लाइक हमारा फर्स्ट क्या है, वी हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, एक टेबल बटन होगा उसमें आप उस पर क्लिक करेंगे टेबल्स के ग्रुप में और एक एम्प्टी टेबल आपको शो होगा जो आपसे क्या पूछेगा कि हाँ एक आपको कॉल आईडी पूछता है कि हाँ ये फील्ड में आपकी ये आईडी है और उसका ऑटो नंबर एज इट्स डाटा टाइप आपको दिखा रहा है। जैसे लेफ्ट में देखिए सबसे लेफ्ट वाला कॉलम आपका ऑल टेबल्स आ रहा है, टेबल वन दे रहा है आपको, टेबल टू शो कर रहा है नीचे। तो इसी तरीके से सेकेंड वन इज यू विल नीड टू एड मोर यस फील्ड्स सो दैट टेबल कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। हम क्या कर सकते हैं, मोर फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक आप अपने सेकेंड कॉलम में देखिए हमने क्या क्या किया है, देखिए कहीं हमने कॉन्टैक्ट्स किए, कहीं असेट्स किए, हम इस तरीके से काफ़ी डबल क्लिक करके वहाँ पे आप उसको नाम टाइप करेंगे एंड प्रेस एंटर और वहाँ वो क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, लाइक यू हैव क्रिएटेड थ्री फील्ड्स आपने, लाइक स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास हो गई एंड एज हो गई है आपकी। आपको देखो बीच वाले स्क्रीन पे आईडी है, बच्चे की आईडी क्या है या स्कूल की आईडी क्या है, स्कूल का नेम क्या है स्टूडेंट का, क्लास क्या है, एज क्या है, इस तरीके से आपने कॉलम्स में क्रिएट कर लिया इसको। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द फील्ड हेडर स्टूडेंट के नेम पे, क्लिक ऑन द डाटा शीट पे करेंगे देन आप, और उसमें से आप जो टेक्स्ट को डाटा टाइप में आपने लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेटिंग में जाके आप क्या कर देंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द नंबर डाटा टाइप फॉर द क्लास के लिए और एज फील्ड्स के लिए। ठीक है, बिकॉज एज को आप नंबर में देना चाहते हैं तो आप नंबर लगा देंगे वहाँ पे। ओके नाउ सेकंड लास्ट आपका क्या है, यू हैव टू नाउ, अब आपने मान लो आपने क्रिएट कर दिया एक डाटाबेस तो आप ऑब्वियसली आप अगर उसमें दोबारे काम करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं उसके अंदर, तो आप उसको दोबारे ओपन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उसको ओपन करने के लिए आपको एक क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए उसकी कि आप उसको कहाँ सेव कर रहे हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन इन द क्विक एसेस टूल बार में, सेव एज आपका डायलॉग बॉक्स विल अपीयर और जिसमें आपने जिस नाम से आप अपने टेबल को वहाँ सेव करना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट राइट और टाइप योर टेबल का नेम और देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन, फाइन क्लास। और आप जिस नाम से उसको टाइप करके आप सेव करेंगे, आपका डाटाबेस जो है उसी नाम से आपका सेव हो जाएगा। ओके लाइक आपके रूल्स क्या होते हैं नेमिंग के फील्ड में, जो लेंथ होती है आपका फर्स्ट रूल आपके सामने दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन में, फर्स्ट टॉपिक आपका रूल क्या है, द लेंथ ऑफ द फील्ड नेम कैन बी ऑफ 64 करेक्टर्स मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा ये नहीं कैच करेगा, और वो टेक्स्ट भी होने चाहिए, हो सकते हैं नंबर भी हो सकता है एंड अदर स्पेशल करेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फील्ड का नेम मे कंसिस्ट ऑफ अपर केस भी हो सकते हैं, वॉट इज़ अपर केस, यानी आपके कैपिटल लेटर्स, और आप उसमें लोअर केस लेटर्स भी आप उसमें ले सकते हैं सेव करने के लिए। ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है आप अपने टेबल में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, और डिलीशन या कुछ डिलीट करना चाहते हैं अपने डाटा का या फील्ड में इन अ टेबल, तो व्हाट विल हैपन एंड हाउ विल यू डू इट। नाउ फर्स्ट वन नंबर इज ओपन द टेबल, पहले आप अपने टेबल को ओपन करेंगे जहां आप डाटा को एंटर करना चाहते हैं। ओके एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, आप कौन सा लेना चाहते हैं जो आपको
ड्रॉप डाउन बटन के व्यू में, ड्रॉप डाउन बटन में आपको शो हो जाएगा व्यूज ग्रुप में अ लिस्ट ऑफ व्यूज, आपको काफी दिखाएगा कि किस तरीके का डाटा आप चाहते हैं. एंड यू हैव टू क्लिक ऑन डाटा शीट व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे. एक टेबल विल ओपन इन द डाटा शीट में और उसको जो आप उसमें से क्रिएट करना चाहते हैं वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे. एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट फील्ड ऑफ द टेबल एंड उसके बाद यू विल एंटर द डाटा जो आप एंटर करना चाह रहे हैं और टैब की को प्रेस करेंगे ताकि आप नेक्स्ट फील्ड में जा सके और वहां आप अपना एंटर कर सकते हैं डाटा विच यू वॉन्ट टू एंटर इन इट. ठीक है, नाउ एंटर द डिजायर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो आप डाटा डिजायर डाटा उसके अंदर आप सेव करना चाहते हैं, रिटर्न में आप एंट्री करना चाहते हैं वहां आप करेंगे. ठीक है, लाइक हमारे देखिए सामने एक आपको डाटाबेस शो किया है हमने, जिसमें हमने प्लेयर का आईडी लिया है, प्लेयर्स के नेम लिए हैं और उन प्लेयर्स का ग्रुप की वो सीनियर है या जूनियर है और वो कहाँ से है प्लेयर हमारे. तो हमने वहाँ क्या नेक्स्ट ऑप्शन किया, रिलेटेड सिटी, कि वो कौन से सिटी से रिलेटेड है वो. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग अ फील्ड थ्रू डिजाइन व्यू के थ्रू आप कैसे करेंगे अपने फील्ड को इंसर्ट. सबसे पहले तो आप यहाँ जाएंगे, आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डाटा शीट टैब पे क्लिक करेंगे और डाटा शीट टैब पे क्लिक करने के बाद यू विल हैव टू क्लिक ऑन द व्यू बटन में इन द व्यूज ग्रुप में. ओके, एंड नेक्स्ट इज नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द डिजाइन व्यू ऑप्शन. आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चेक करना है और आपके सामने एक फील्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आपको अपीयर हो जाएगा. देन आप क्या करेंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे जहां आप अपनी न्यू फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट रोज बटन इन द टूल्स ग्रुप में. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपका एक ब्लैंक रो आपको सामने दिखाई देगी एट द पॉइंटेड पोजिशन कि जहां आपको चाहिए थी वहां पर इंसर्ट हो गई है. ओके, नाउ आप देखिए जरा सामने आपने एंटर द नेम, आप एंटर नेम करेंगे वहां पे, डाटा टाइप करेंगे आप और उसके बाद आपने जब काम आपने जो करना था आप उसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यू हैव टू जस्ट क्लोज योर टेबल. फाइन, और उसके बाद आपका टॉपिक नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग द फील्ड थ्रू डेटाबेस व्यू में. सबसे पहले आप क्या करेंगे इंसर्ट करने के लिए, आप पहले वो टेबल को ओपन करेंगे जहां आप डाटा शीट में आपको व्यू हो रहा है, जहां आपने इंसर्ट करना है आप वहां जाएंगे. देन आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फील्ड पे बिफोर विच, जिससे पहले आप अपने न्यू फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं. एक छोटा सा आपको शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा, आप इंसर्ट करेंगे कॉलम, उसके अंदर सेलेक्ट आपको मिलेगा इंसर्ट कॉलम पे, आप ऑप्शन पे जाएंगे उसे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक इंसर्ट हो जाएगा नया कॉलम उसके अंदर. ओके क्लास, एंड डिलीटिंग द फील्ड फ्रॉम अ टेबल, आप इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले आप अपने टेबल पे जाएंगे जहां पर जो आपने डिलीट करना है यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट. ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपन द टेबल इन द डिजाइन व्यू में खोलेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे जो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, इट मीन्स आप वहां क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा. एंड क्लिक ऑन द डिजाइन टैब पे एंड क्लिक ऑन डिलीट रोज आ गया आपका और वहां से आपका एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आपको सामने अपीयर होगा, नजर आएगा आपको, जो परमानेंटली आपका क्या कर देगा, डिलीट कर देगा आपके उस फील्ड को जो आप डिलीट करना चाहते हैं. वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि हाँ, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट. आप उसको येस करेंगे तो वो आपका डिलीट कर देगा, क्योंकि हो सकता है कई बार हम क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं और वो सेलेक्ट तो हो जाता है लेकिन डिलीट नहीं होता है, डिलीट हम करना नहीं चाहते, बाय चांस सेलेक्ट होके वो डिलीट ऑप्शन हमसे प्रेस हो गया तो वो कंफर्मेशन लेता है. अगर आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पे एंटर कर क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट नहीं होगा. ओके क्लास, नाउ आपके आप सभी देखते हैं कि असेस योरसेल्फ में आपके काफ़ी फिलिंग का ब्लैंक्स का भी मैच द कॉलम एंड कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह भी आपके काफ़ी ऑप्शंस में आ रहे हैं. आपको ये सारा फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, आप उसको लीव नहीं करेंगे, बुक में आप इसको फिनिश करेंगे और नोटबुक्स में भी करेंगे. ओके क्लास, नाउ आप अपने टेबल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आप नेम
को चेंज करना चाह रहे हैं या अपने फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना चाह रहे हैं, तो हम उसके कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको चेंज करने के लिए क्या करेंगे। फर्स्ट वन टॉपिक आपका रीनेमिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, ओपन द टेबल, ठीक है, डाटा शीट व्यू में जाके आप टेबल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे जहाँ आप अपने फील्ड का नाम, और वहाँ पर एक शॉर्टकट मेनू आपका अपीयर हो गया सामने आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप उसको रिनेम करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और जो आप अपना नेम उसको चेंज करना चाहते हैं वो नेम आप अपने फील्ड को देंगे एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस एंटर की, ओके, और वो आपका नेम चेंज हो जाएगा फील्ड का जो आप करना चाहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर मूविंग। मूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप उस रिलेटेड टेबल को डिजाइन व्यू में जाके आप उसको ओपन करेंगे एंड उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे रो को जिसको आप मूव करना चाहते हैं और उसको उस फील्ड को वहां से ड्रैग करेंगे माउस से और जहां आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं उस पोजीशन पे लेके जाएंगे आप, और देन आप उसको क्लिक, जो आपने ड्रैग किया हुआ था उस बटन को आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, और जहां पर आपने ड्रॉप किया, छोड़ दिया उस बटन को, वहां पे वो अपने आप मूव होके वहां आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर चेंजिंग द डाटा टाइप। आप अगर चेंज करना चाहते हैं किसी फील्ड का तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं, लाइक आप क्या करेंगे, पहले टेबल को ओपन करेंगे डाटा शीट व्यू में, आप सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड को जहाँ आप चेंज करना चाहते हैं, देन आप क्लिक करेंगे डाटा टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो कहाँ है, डाटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग ग्रुप में है, ठीक है, एंड अ लिस्ट ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स आपके अपीयर हो जाएंगे, जो आप डाटा टाइप चाहते हैं आप उसको वहां से सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप जहां चेंज करना चाहते हैं आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ सॉर्टिंग द डाटा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, आप किसी मैनर से जानना चाहते हैं, तरीके से जानना चाहते हैं, लाइक मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, मैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में करना चाहती हूँ, तो हाउ विल आई डू इट, कैसे करूँगी मैं, सबसे पहले मुझे क्या, या तो मैं सभी नेम्स को ए से लेकर जेड तक के फॉर्म में मुझे मैनेज करना पड़ेगा या मैं उसको जेड से ए के फॉर्म में, तो हम अपने डाटा को एक सिस्टम में, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, ठीक है, मैं उन कस्टमर्स को चाहती हूँ कि मेरे अल्फाबेटिक मैनर में, ताकि मेरे ए के नाम सबसे पहले आए, उसके बाद बी के आए, फिर सी वाले कस्टमर्स के नाम आए मेरे, तो इस तरीके से आप उसको सॉर्टिंग करेंगे। तो जो डाटा, पहले आप अपने टेबल को ओपन करेंगे इन विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट द डाटा, देन आप उस सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड को जहां आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, देन आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा फील्ड का जो आपको दिखाएगा कि अपर साइड ऑफ द फील्ड, एंड मेनू अपीयर होगा जो आपको पूछेगा कि आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं ए से लेकर जेड तक या जेड से ए तक, ठीक है, और आप जैसा कहेंगे, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, आप जिस तरीके से उसको कमांड देंगे वो आपकी कमांड के अकॉर्डिंगली आपका वर्क कंप्लीट कर देगा, सॉर्टिंग कर देगा। ओके क्लास, नाउ यू हैव सम एक्टिविटी, ठीक है, आप इसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे एक्टिविटीज को भी, रीडिंग करनी है जरूर, लीव नहीं करना कुछ भी आपने, एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर एडिटिंग द रिकॉर्ड्स। एडिटिंग करना रिकॉर्ड्स में, इट मीन्स यू वॉन्ट सम चेंजेस, कुछ आप चेंज करना चाहते हैं उसमें, एडिट करना चाहते हैं, अपना यूज करना चाहते हैं उसमें कुछ, तो उसके लिए पहले आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोकेट करेंगे अपना रिकॉर्ड को, कहाँ है आपका रिकॉर्ड, वहाँ आप जाएंगे, आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। मान लो मैंने 50 लिखा था, मैं वहाँ 20 करना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, उसको सेलेक्ट करूँगी, देन मैं वहाँ टाइप कर दूंगी एंड देन मैं एंटर कर दूंगी, तो मेरा वहाँ 50 को रिप्लेस कर देगा 20 नंबर, फाइन। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कि टाइप द इंफॉर्मेशन जो आप टाइप करना चाहते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आप अपना डाटा वहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका जो डाटा आप न्यू उसमें चाहते हैं वो आपका क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। ओके, एंड दिस इज योर ब्रीफ रिमाइंडर, यू हैव टू रीड ऑल द पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है क्लास। नाउ वी हैव फिनिश्ड द लेसन, दिस इज योर टेस्ट, योर प्रोग्रेस, आई एम जस्ट शोइंग यू द आंसर्स, फाइन क्लास।
नाउ उससे पहले देखिए आपका नेक्स्ट पेज 51 पे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है. यू हैव टू जस्ट कंप्लीट जो आपने पीछे किया है सेम एज इट इज आपका है, या आप पहले बुक में कंप्लीट करेंगे और देन आप कॉपी में करेंगे. ओके क्लास, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर ए एमसीक्यूज आंसर एंड क्वेश्चन नंबर बी ट्रू फॉल्स इज देयर. यू हैव टू कंप्लीट इट बुक एंड कॉपी ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. योर क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 2 and 3 आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे एंड यू हैव दिस आंसर नंबर 4, 5. ठीक है, नाउ यू हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आर देयर. यहाँ से आप अपना आंसर नंबर 1 and 2 एंड ये आपका आंसर नंबर 3 है. देन आप 4 को भी कंप्लीट करेंगे, आंसर को भी आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे सभी. ओके क्लास, और आपका बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क आपका सभी कंप्लीट होने चाहिए. ओके क्लास.